बेटा चलो ध्यान से सुनो। सिलिंड्रा निडेरिया नाम कहाँ से आया? नीडोब्लास्ट। तो जो इसकी स्पेसिफिक सेल है उसके बेसिस पे एक नाम इसको दिया गया, और ये स्टिंगिंग अटैक करता है। ठीक है, ये हार्म करे, इससे जो टॉक्सिक रिलीज होंगे उससे पैरालिसिस जैसी कंडीशन आ जाए। ठीक है, जिसको भी प्रे को अटैक करेगा तो वह थोड़ी देर के लिए अनकॉन्सियस हो जाएगा, ताकि इससे लड़ाई ना कर सके, और उसके बाद ये अपने माउथ के थ्रू उसको इनगल्फ कर जाएगा, जैसे आपको इस एनिमेशन में पहले वाले में दिख रहा था। एंड दूसरा टर्म है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा टर्म दिया जा रहा है इसको सिलेंट्रॉन कैविटी से, जो इसकी कैविटी है गैस्ट्रो कैविटी, दैट इज सिलेंट्रॉन। तो कैविटी से आया है सिलेंट्रेटा, एंड नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट सेल से आया है निडेरिया। ओके, बोलने में भी आपको आ रहा है निडिल जैसा स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट टेंटिकल एंड स्टिंगिंग सेल्स बेयरिंग द फाइलम आर द निडेरिया। ओके, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मैराइन। इसका मतलब फ्यू है, हाइड्रा आपका आ जाता है फ्रेश वाटर में। जब आप छोटे क्लास से लिखते हो ना, बडिंग में एग्जाम्पल लिखते हो हाइड्रा, वो फ्रेश वाटर सिलेंट्रेटा है। सेसाइल और फ्री लिविंग कंपेरेटिव, अब देखो ध्यान रखते हो, पोरीफेरा में क्या था? सेसाइल। यहाँ पे क्या है? सेसाइल भी है, फ्री स्विमिंग भी है। ओके, नेक्स्ट है सिमेट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये एनसीईआरटी का ही देख रहे हो आपका, तो रेडियल सिमेट्री को शो करता हुआ दिख रहा है, एक इमेज वहां पे दिया होगा। ओके, तो रेडियल सिमेट्री कई सारे प्लेन से डिवाइड हो सकता है टू इक्वल हाफ। अब यहाँ पे आपको जो स्पेसिफिक, देखो चलो पहले हम जनरल खत्म कर लेते हैं। ऑल्सो नोन एज निडेरियन, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग सेल्स कॉल्ड नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट्स, मोस्टली मैराइन, फ्यू फ्रेश वाटर, एग्जाम्पल हाइड्रा, कॉर्निवोर है, प्रीडेटर है, शिकारी है, कॉर्निवोरस है। सेसाइल और फ्री स्विमिंग, रेडियल सिमेट्री, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ए सेलो में दे डेवलप फ्रॉम टू जर्माइनल लेयर, डिप्लोब्लास्टिक में आ जाएंगे। अब यहाँ पे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो चुका है, तो यहाँ आप टेक्निकली इनको डिप्लोब्लास्टिक कह सकते हो, दैट इज दे आर डिप्लोब्लास्टिक। मेसेनकाइम रिप्लेस हो गई मेसोक्लिया से, मेसेनकाइम पोरीफेरा में था, अब है जेली लाइक ही मटेरियल, अभी सेल नहीं बने हैं, लेकिन ये क्या हो गए हैं? मेसोग्लिया, और डेंस हो जाते हैं। ठीक है, जो सेंटर में जेल भरा हुआ है वो थोड़ा डेंस हो जाता है। दैट इज दे आर डिप्लोब्लास्टिक मेसोग्लिया बिटवीन टू लेयर्स इंटरस्टिशियल सेल्स। दो सेल के बीच का जो भी स्पेस होगा वो होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, और कोई आप इन दोनों के लेयर्स के स्पेसिफिक सेल्स की बात कर रहे हो, तो उन सभी जगह पे क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स, जस्ट लाइक अमीबोसाइट, वो वहां पे टोटिपोटेंसी को शो कर रहे थे, यहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल्स हैं वो टोटिपोटेंसी को शो करेंगे। अलग अलग तरीके के सेल बनाएंगे और वो डिफरेंट टाइप के टिश्यू को डेवलप कर सकते हैं। अभी बहुत ज्यादा ऐसे टिश्यू की वेराइटी आपको नहीं मिलेगी। ओके, फाउंड इन बोथ लेयर ऑफ बॉडी वॉल, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक डर्मल लेयर, एक तो आउटर डर्मल लेयर आ जाएगी, एक गैस्ट्रिक कैविटी की लाइनिंग आ जाएगी। अब ये टेक्निकली ये लेयर स्पॉन्जोसील केस में हमने लेयर उसको है इसलिए बोल रहे थे लेयर, ये लेकिन ये टेक्निकली टिश्यू के अरेंजमेंट्स हैं, तो यहाँ पे सेल सेल इंटरेक्शन भी होगा। ओके बच्चा, और वो पूरी सेल की लेयर एक तरीके के टिश्यू के लेयर की तरह परफॉर्म करेगी। द नेम निडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम निडोब्लास्ट, ये एनसीईआरटी आगे, विच कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा हम समझा देते हैं, अब ये पहले समझ लो। अब इसको आपको ऐसे समझना है, जैसे वो देखा है कोई मूवी का सीन जहां पे बहुत बड़ी किले की दीवार हो, बाहुबली वगैरह टाइप की मूवी, तो सेना का कोई चार पांच लोग पास तक पहुंच जाते हैं, बाकी लोग छुपे रहते हैं, फिर वो एक एंकर जैसी चीज लेते हैं जिसमें आगे की तरफ ऐसे एंकर लगा रहेगा, उसको कोई फेंकेगा वो जाके ऊपर, यहाँ पे जो भी उसकी बाउंड्री होगी यहाँ कहीं जाके फिट हो जाएगा, फिर उसको खींच के देख लेंगे बढ़िया कि ये बाहर तो नहीं आ रहा, अच्छे से फिट है, फिर धीरे धीरे एक एक लोग निकलेंगे और इसके थ्रू उस किले में घुस जाएंगे, ऐसा देखा है। अब वो इतना लंबा थ्रेड अगर वो पहले से खोल के रखते तो वो ये फोर्स नहीं लगा सकते जिससे वो ऊपर तक जाए, तो उन्होंने क्या किया है उसमें रोटेट करके रखा, ठीक
ठीक है, अब वो अपने साथ साथ खुलता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है और फाइनली जाके वहां हिट करें। अब कम डिस्टेंस है तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि हाँ आपने आगे पत्थर बांध रखा है बढ़िया और फेंका किसी को लग गया, ठीक है, तो वो भी कर सकते हो। या आपने वो एक पैराशूट वाला अभी आजकल बेचने लगे हैं, आगे पॉली बैग लगा रहता है और उसमें थ्रेड रोटेट करके रखते हैं, फिर उसको फेंको तो वो पैराशूट जैसा ओपन हो जाता है, धीरे धीरे बीच में दिखता है। तो उन सब में क्या कॉन्सेप्ट है कि कुछ चीज है जो कॉइल्ड है एंड बाद में वो निकल रहा है, वो पूरा लॉन्ग थ्रेड में कन्वर्ट हो गया। सेम यहाँ पे क्या है कि जहां तक वो उसको स्ट्रिंग करना है या जो उसका एक तरीके से समझ लो कि थ्रेड ही बोलेंगे इसको, नहीं इसको टेंटिकल बोलेंगे, नहीं इसको फ्लैजिला बोलेंगे, ठीक है। तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो स्ट्रिंगिंग में उसको हेल्प करेगा, वो क्या रख रखा है उसने, क्वाइल्ड स्टेज में रख रखा है। एंड अब नीडोसिल इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया है। नीडोब्लास्ट से बनता है ये पूरा सेलुलर स्ट्रक्चर जिसमें एक कैप्सूल वाला फॉर्म होता है निमेटोसिस्ट। इस निमेटोसिस्ट में ये क्वाइल्ड थ्रेड इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, ओके। तो इसको एक्टिव होने के लिए कुछ स्टिमुलस चाहिए, वो स्टिमुलस क्या है, प्रे। या तो ये बचने के लिए, अपने को बचाने के लिए अटैक कर दे सेल्फ डिफेंस में, या तो ये खाने के लिए अटैक कर ले, वो हो जाता है प्रिडेशन। दोनों में डिफरेंस समझ में ही आ रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट एवर द सिचुएशन, नीडोसिल जो है ये इसको स्टिमुलस को रिसीव करे, ओके। एंड इसको रिसीव करते ही ये इसको एक्टिव कर देंगी और एक्टिव निमेटोसिस इसको डिस्चार्ज कर देगी। तो क्वेश्चन आता है डिस्चार्ज स्टेज में क्या होता है, डिस्चार्ज वाला एक्टिव स्टेज है या क्वाइल्ड स्टेज एक्टिव स्टेज। तो डिस्चार्ज वाला एक्टिव है, अब ये हंटिंग कर दिया, इसने उसी तरीके से अपने प्रे पे से अटैक कर दिया और ये एक सेल एडिट है ना, तो आप इसको टेंटिकल नहीं बोल। इस तरीके से कई सारी नीडोब्लास्ट सेल से नीडोसिस्ट बन के उसमें प्रेजेंट है टेंटिकल्स के ऊपर। तो जब उसको अटैक करना होगा तो बहुत, ये अभी आपको ऐसे इमेज में दिख रहा है ना बड़ा सा, ये छोटे छोटे हैं, तो पूरा टेंटिकल जाएगा और टेंटिकल पे कई सारे ऐसे डिस्चार्ज होंगे और प्रे पे ये एक्टिवली अटैक कर ले। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो ये कैविटी क्यों जरूरी थी, ये कैप्सूल क्यों बोला गया, जैसे कैप्सूल के अंदर ड्रग होता है उसी तरीके से इस कैप्सूल के अंदर वो एक्टिव थ्रेड पार्ट था जिसके जिससे अटैक वो कर रहा है, ओके। तो पूछा जाता है निमेटोसिस्ट क्या है, निमेटोसिस स्टिंगिंग कैप्सूल है जिसके अंदर क्वाइल्ड थ्रेड पैक रहता है, ठीक है, एंड डिस्चार्ज केस में ये रिलीज हो जाता है। इसको कौन सेंस करता है, नीडोसिल। एक आप एंसियंट एंटेना जैसा समझ सकते, पहली बार जो नर्वस सिस्टम, अगर हम कह रहे हैं अभी सिस्टम तो नहीं बोलेंगे, नर्व नेट आएगा वो सिलेंट्रेटा में ही आया, तो मतलब सिग्नल को उसने रिसीव किया। तो नीडोसिल को यू कैन रिलेट विद द एंटेना, ओके, कुछ एक्टिविटी को वो सेंस कर पाए, प्रेजेंट ऑन टेंटिकल। अब ये ध्यान रखो, मार्क करो, ये खुद टेंटिकल नहीं है, ये वाली गलती नहीं करना है। तो कई सारे आपके नेमेटोसिस्ट एक टेंटिकल पे प्रेजेंट हो, जैसे आप इमेज बनाते हैं ना हाइड्रा, ऐसे तो आप क्या ड्रॉ करते हो, उसकी कैविटी ड्रॉ किए, बॉडी ड्रॉ किए और फिर ऐसे ऐसे बढ़िया टेंटिकल बना देते हो। तो व्हाट आई एम सेइंग, इस एक टेंटिकल पे बहुत सारे नेमेटो ब्लास्ट के डिराइव्ड हुए फॉर्म प्रेजेंट है, ओके बच्चा। नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, या तो ये कहीं पे अटैच करने के लिए रोल प्ले कर सकता है, तो अटैचमेंट हो गया, देखो मैंने ब्रैकेट में टर्म्स लिख रखे हैं, उसको आप एनसीईआरटी में लिख लेंगे। डिफेंस, अपने को बचाने के लिए यूज कर सकता है। ऑफेंस, किसी को अटैक करने के लिए यूज कर सकता है, तो प्रे को अटैक करने के लिए यूज किया तो ऑफेंस हो गया। तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आया था, अटैचमेंट डिफेंस एंड ऑफेंस में रोल प्ले करने वाली सेल ऑफ निडेरियंस, आंसर इज नीडोब्लास्ट। ठीक है बच्चों, नीडोब्लास्ट के मैच्योर फॉर्म को नीडोसाइट बोलते हैं। तो सिर्फ क्वेश्चन अगर नीडोब्लास्ट से आ रहा है दैट इज ऑल्सो ओके, नीडोब्लास्ट नीडोसाइट आप एक ही सेल को भी ले सकते हैं, ओके। देखो ये दूसरा इमेज, ये नीडोसिल, ये आपको दिख रहा है इनएक्टिव स्टेज,
एंड देन एक्टिव चार्ज स्टेज में ये यहाँ से पूरा बाहर आ गया, रिलीज हो गया। इट इज लाइक कि जैसे गन से, बंदूक से आप कोई गोली वगैरह ट्रिगर कर, तो निडोसिल के लिए ट्रिगर वर्ड भी यूज होता है। ट्रिगर कौन करता है इसका? ठीक है, ये देखो आप। अच्छा मुझे ध्यान नहीं था मैंने ये वाला इमेज ऐड किया है। टेंटिकल्स, टेंटिकल पे आपको कई सारे, देखो एक टेंटिकल के पोर्शन को इनलार्ज करके दिखाया तो आपको कई सारे ये दिख रहे हैं थोड़े थोड़े इक्वी डिस्टेंस पे। और अगेन अभी आप कॉमन इतना समझो कि एक उसकी बाहर की लेयर है, एक उसकी इनर लेयर है, बीच में आप ल्यूमेन जैसे पढ़ते थे उस तरीके से आप कैविटी समझो, और यही यहाँ पे लार्जर एक सिलेंट्रॉन कैविटी को बनाएगा। तो अब दो लेयर के बीच में कैविटी बनती जा रही है, उसी दोनों लेयर में आउटर लेयर पे नीडोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट है। नीडोब्लास्ट सेल्स में जो कैप्सूल वाला फॉर्म है वो है नेमेटोसिस, एंड जब ये क्वाइल थ्रेड को रिलीज करेगा कब? जब नीडोसिल इसको ट्रिगर करेगा, दैट्स व्हाई नीडोसिल आल्सो नोन एज ट्रिगर। परफेक्ट, डिस्चार्ज हुआ ये तो प्रे को इसने बाइंड कर लिया। अब ये देखने में ऐसा लग रहा है कि एक थ्रेड और उससे बाइंड हो गया, ऐसे बहुत सारे थ्रेड जाएंगे और वो बाइंड कर लेंगे उसको। क्लियर? फिर वो अपने हाइपोस्ट्रोम की तरफ या माउथ की तरफ उसको कैच कर लेंगे। निडेरियन एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये टर्म समझना है बेटा, अगेन वही जो अभी तुमने पैरागैस्ट्रिक कैविटी वर्ड यूज किया उसी तरीके से और क्या इवॉल्व हो गया, गैस्ट्रो और वेस्कुलर। क्यों? क्योंकि वहां पे देखो डाइजेशन नहीं हो रहा था उससे, डाइजेशन कोइनोसाइट के अंदर हो रहा, लेकिन यहाँ पे डाइजेशन जब आप सिस्टम में पढ़ोगे तो आप मतलब उसके फिजियोलॉजी में जाओगे तो डाइजेशन वाला पार्ट आएगा, उसमें आप देखोगे कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी है। ओके, तो इंट्रा सेलुलर जब भी हम टर्म लेंगे तो यू कैन इट रिलेट इट विद द फूड वैक्यूल और लाइसोजोम वाला स्टेप जो होता है वो इंट्रा सेलुलर हो जाएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर मतलब कुछ एंजाइमेटिक एक्शन बाहर हो रहा है, तो यहाँ पे वहां पे वाटर करंट था स्पॉन्जोसिल में, लेकिन यहाँ इस कैविटी में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, एंजाइमेटिक सिक्रीशन है, और उसकी वजह से वो सेमी डाइजेस्ट कर देता है फूड। अब वो सेमी डाइजेस्टेड फूड जो लेयर्स है उनके सेल में एब्जॉर्ब होगा, टिश्यू तक पहुंचेगा, टिश्यू में एब्जॉर्ब होगा, सेल तक पहुंचेगा, एंड देन उसको फुल्ली डाइजेस्ट फूड वैक्यूल के थ्रू कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो अब यहाँ पे इसने कैसे वर्क किया, हमारे हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम वाला काम कर दिया, पहुंचाने डाइजेशन एंड पहुंचाने का भी काम। दैट्स व्हाई वेस्कुलर, जैसे आप वेस्कुलर बंडल को देखते हो कि वो ट्रांसपोर्टेशन में रोल प्ले कर रहे हैं, वैसे ही आप क्या बोल रहे हो, गैस्ट्रो मतलब डाइजेशन, वेस्कुलर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। तो दोनों टर्म आप ध्यान रखें, दिस इज रिलेटेड टू डाइजेशन, और ये कंप्लीट डाइजेशन नहीं करते, पार्शियली डाइजेस्टेड, पार्शियली पार्टली जो भी आपको, ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट कर देंगे और उसको फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी करें, इसलिए दोनों टर्म दिया जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये आपका पोरिफेरा में नहीं था, पोरिफेरा में डाइजेशन नहीं हो रहा, सिर्फ वो वाटर करंट के थ्रू जो सप्लाई दे रहा था, दैट्स वाई अपन उसको क्या बोल रहे थे, पैरा गैस्ट्रिक कैविटी। तो सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिलेंट्रॉन विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ, यहाँ ऑस्कुलम नहीं है, माउथ है, इसको बोल रहे हैं हाइपोस्टोम। एस्टोमा मतलब मैंने बताया है माउथ होता है, हाइपो मतलब नीचे मुंह है, यही तो हुआ। अगर हम नॉर्मल बोले तो क्या हाइपो मीन्स, जैसे हाइपोगाइनस ओवरी, हाइपोगाइनस फ्लावर, तो वहां पे अपन ने हाइपो वर्ड यूज कर रखा, नीचे जो भी आप लेवल ले रहे हो उससे नीचे। तो हम ये नीचे के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा फिर से यार, नीचे मतलब एक तो देखो डॉर्सल और वेंट्रल इस पोजीशन में, जब आप मेडुसा वाला बोल रहे हो, अभी टर्म को बस आप ऐसे समझो कि एक ससाइल है एक मूवेबल है, तो जो मूवेबल होता है वो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर में है, तो जब अपन अम्ब्रेला ओपन करते हैं तो जो अपन स्टिक होल्ड करते हैं वो नीचे की तरफ है ना, और जिससे पानी टकराता है वो ऊपर की तरफ है, तो वो डॉर्सल हो गया, ये नीचे हो गया। तो नीचे मुंह होना मतलब वेंट्रल साइड पे मुंह होना, ये भी एक बात है। अब जो पॉलिप कंडीशन है, जो सेसाइल है, जैसे हाइड्रा हम बोल रहे हैं तो हाइड्रा एक जगह पे रुका हुआ है, तो इस केस में हम एंटीरियर और पोस्टीरियर बात कर सकते हैं, या बेसल बात कर सकते हैं और एपेक्स बात कर सकते हैं, समझ रहे हो, एंटीरियर पोस्टीरियर इज डिफरेंट, डॉर्सल वेंट्रल इज डिफरेंट।
केस में आपको क्या देखना है कि जो इसका मुंह है वो टेंटिकल्स में, अब यहाँ पे इस तरीके से नीचे, ओके, और वेंट्रल पोजीशन पे नीचे, तो पॉलिप में वो टेंटिकल्स के रिस्पेक्ट में नीचे धंसा हुआ है, इसलिए अपन उसको हाइपोस्टेम बोल देते हैं। और मेडुसा केस में वो वेंट्रल सरफेस पे, तो यहाँ तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं, नीचे मुंह होना हाइपोस्टेम। और कुछ नहीं तो आप बस इतना याद रखो कि सेलेंट्रेटा के मुंह को हाइपोस्टोम बोलते हैं, ओके। हाइपोस्टोम एंड वन ओपनिंग है, इसलिए इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक हो जाएगा और उसी से आपको एक पॉइंट मिला, ब्लाइंड साइड बॉडी प्लान होगा, क्लियर। क्लियर, पहले डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर बोथ, ध्यान रखो। इसको अब एक्सप्लेन करना है, जो मैंने बोला वही चीजें आप ध्यान रखना है। दैट इज, अब ये एनसीईआरटी के बाहर है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ये बाहर, ओके। दैट इज टेक्स प्लेस इन सिलेंट्रॉन विच इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एज वेल एज इन फूड वैक्यूल। तो इंट्रा चला गया आपका फूड वैक्यूल में एंड एक्स्ट्रा चला गया आपका सिलेंट्रॉन में, एकदम अटेंटिव होके सुनो, क्लियर है ये बात। तो दो जगह पे, दो लोकेशन है जहां पे डाइजेशन चल रहा है, तो दैट्स व्हाई अपन ने क्या बोला, डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर। माउथ सर्व्स बोथ पर्पसेस, मतलब एनस और माउथ। सिलेंट्रॉन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, इसलिए आया वेस्कुलर कैविटी है, ऑफ फूड बिसाइड्स पार्टली डाइजेस्टिंग इट, आधा अधूरा डाइजेस्ट करके उसने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया टिश्यूज को, लेयर को पहुंचा दिया खाने, इसलिए वो क्या हो गया, वेस्कुलर भी हो गया। तो गैस्ट्रो रिलेटेड टू डाइजेशन, वेस्कुलर रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। ड्यू टू दिस ड्यूअल रोल, अजर्शन ये हो जाता है, रीजन ये होता है बेटा, है ना। ड्यू टू दिस ड्यूअल रोल इट इज, मतलब ये रीजन हो जाएगा, नेम्ड एज सिलेंट्रॉन और गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी, क्लियर है। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पे हम सिर्फ कैविटी पे फोकस करो, तो दिस इज गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ये मेडुसा वाले केस में नैरो होती है, पॉलिप वाले केस में ब्रॉडर होती है। जब पूछा जाए तो ये सब चीजें थोड़े बहुत आप ध्यान रखोगे तो आंसर हो जाता है, ओके, क्लियर। अब ऑब्वियसली जो इसकी लाइनिंग बना रहा है वो गैस्ट्रोडर्मिस आप बोल लो, एंड जो बाहर की लाइनिंग बना दिया वो एपिडर्मिस हो गई, और जो बीच में लिक्विड है दैट इज मेसोग्ली। दो जर्माइनल लेयर, एक्टोडर्म, इससे गैस्ट्रोडर्मिस आपका एंडोडर्म से बना होगा, एपिडर्मिस आपका एक्टोडर्म से बना होगा, और जो बीच में आपका फ्लूट था उसको आप वैसे ही मेसोग्लिया बोल रहे, क्लियर है बच्चा, एडल्ट बन गया वो। अब ये कोरल रीफ वाला केस देखो, ये डिपोजिशन होता जा रहा है, ठीक है। इसके पहले यहाँ पे जो कोरल रीफ एक्टिव रहा होगा उसने इतना डिपोजिशन कर दिया, जो आपको कोरल रीफ इस तरीके से डिपोजिशन दिख रहा है वो कोई एक एनिमल नहीं है, वो कॉलोनियल है, ठीक है। लेयर पे लेयर, लेयर पे लेयर वो डिपोजिट होता जा रहा है। इसी तरीके इसको हम लोगों ने डायटमाइज्ड अर्थ में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक है। सिलिसिएटेड सेल वॉल प्रेजेंट इन डायटम्स, वहां पे हमने ये चीज बताई थी तुम्हें। तो वो जो डिजनरेट होते जा रहे हैं वो इस तरीके से एक वहां पे सरफेस बना दिया, उसको बोलते हैं बेसल प्लेट, जो आपको रिजिड दिखता है। लेकिन आप अगर उसको, क्योंकि ये बहुत बड़े नहीं होते हैं, तो आप जब उस कोरल रीफ पे फोकस करोगे तो वहां उनके सबस्ट्रेटम पे आपको लिविंग्स भी दिखेंगे, लेकिन ये पॉलिप होंगे, ओके बच्चा, इनके टेंटिकल्स होंगे, क्लियर। तो ये ऊपर वाले सरफेस पे ही वो लिविंग दिखेंगे, टेंटिकल्स होंगे, इस तरीके से आपको नहीं दिख जाएगा, नहीं तो वो ऑक्टोपस जैसा दिखेगा, डरोगे, ठीक है। तो वो बहुत माइन्यूट है, ओके बच्चा। फिर उसका हाइपोस्टोम हो गया, गैस्ट्रोडर्मिस लेयर हो गई, एंड जैसे अपने स्टमक में रुगे ही होते हैं, फोल्ड होते हैं सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए और क्रशिंग के लिए, ठीक है। उस तरीके से अभी यहाँ पे क्योंकि टिश्यू बन चुका है तो अपन उसको स्टमक बोल सकते हैं, बोलते नहीं है टेक्निक। अब ये क्या हायर बुक्स है तो वहां पे कंपेरेटिव एनालॉग वाली बात आ जाती है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो ये अटैच्ड है और इसकी आपको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिख रही है, ऊपर के साइड में टेंटिकल दिख रहे हैं एंड माउथ दिख रहा है। तो जब भी आपको ऐसा दिखे तो आपको समझ लेना है ये पॉलिप है, जब भी माउथ आपको नीचे की तरफ दिखे तो आपको समझ लेना है वो मेडुसा है। तो सिलेंट्रेटा में डायमॉर्फिज्म होती है,
ओके, दो तरीके का बॉडी का एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक सेसाइल है वो पॉलिप है, एक मूवेबल है जैसे अपना स्टार्टिंग में स्लाइड में देखा था अपन ने, ऑरेलिया वगैरह जेलीफिश मूव कर रही थी वो कैसा है, मूविंग, वो मेडुस है। ठीक है बच्चा, और इन्हीं पे अब ये अगर अगर डेड एंड डिके हो गया तो ये यहाँ पे ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, इसका पार्ट बन गया, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली कोरल्स बनते जाते हैं। डाइजेशन हो गया, नेक्स्ट और सिस्टम देखना है, रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है, इसका मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल अगेन अमोनिया होगा, एनिमल अमेनोटेली अमोनोटेली। ओके बच्चा, ओके क्लियर है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, और गैसेस तो हो ही रहे हैं, डिफ्यूजन से हो रहा है, ऑक्सीजन CO2 अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग, तो लोकल डिफ्यूजन चलता रहेगा बॉडी सरफेस से। अभी कोई लंग्स वगैरह या कोई उस तरीके का ट्रैकेरी सिस्टम तो डेवलप हो ही नहीं रहा है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एंड एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया, दैट्स व्हाई एनिमल इज अमोनोटेलिक। तो बोथ पोरिफेरा एंड सिलेंट्रेटा आर अमोनोटेलिक एनिमल। नर्वस सिस्टम फर्स्ट टाइम टोटली अब्सेंट इन पोरिफेरा, तो फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड हुआ, ये भी क्वेश्चन है, किस फाइलम में फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम रिपोर्टेड हुआ, तो सिलेंट्रेटा। डिफ्यूज टाइप, डिफ्यूज मतलब आप इसमें जैसे आपको थोड़ा बहुत क्या याद ही होगा, इतना तो मैंने ही पढ़ा रखा, एक्सॉन डेंड्राइट साइटॉन याद है, तो ये क्या हो जाता है, ये पोलर हो जाता है, जिसमें दो एंड आपको क्लियर दिखते हैं, एक तरफ एक्सॉन है एक तरफ डेंड्राइट है, तो डेंड्राइट सिग्नल लेते हैं, सेल बॉडी में प्रोसेस होता है एंड एक्सॉन उसको ट्रांसपोर्ट कर देता है। ओके बच्चों, तो ये है डेवलप्ड वाला, तो इस तरीके का नहीं है, मतलब आप इसमें एक्सॉन और डेंड्राइट्स नहीं देख सकते, उसको बोलते हैं फ्यूज टाइप। नर्व न्यूरॉन्स फ्यूज होंगे तो नर्व नेट भी फ्यूज हो जाएगी, ठीक है, जिसका कोई और छोर आप फ्लो नहीं समझ सकते हो कि कौन किधर जा रहा है, क्लियर, एंड कंसिस्ट ऑफ, दैट्स व्हाई इट इज नॉन पोलर न्यूरॉन्स, नर्व नेट बन जाएगा। अभी गैंगलियन नहीं बना, सिविलाइजेशन नहीं है, तो ये कैसे जाल फैला हुआ है, जैसे विंडो पे जाली वगैरह लगी रहती है ना, उसी तरीके से आप समझ लो कि नर्व नेट, नर्व के फाइबर बिछने स्टार्ट हुए। ओके, सम ऑफ द निडेरियंस एग्जांपल कोरल्स हैव अ स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो अभी अपन ने रीफ की बात की वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन, और भी मिनरल्स होते हैं और भी कंपोजिशन होते हैं, आपको बस ये ध्यान रखना है कि मेनली कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, जैसे अपनी बोन तो कैल्शियम फॉस्फेट की है, कैल्शियम और फॉस्फेट इसमें मेन, मिडिल लैमिला कैल्शियम पैक्टेट अपन ने बोल, तो मेनली वाली चीज ज्यादा अपन ध्यान रखते हैं, तो ये जो रीफ बनते हैं उसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो क्या क्या हो गया अभी तक, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात हो गई, जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हैबिटेट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बात हो गई, सिमेट्री बात हो गई, एंड देन सिलोम की बात हो गई, देन बॉडी प्लान बात हो गया, और नॉर्मली अगर आप चाहो तो नोटोकॉर्ड को करके नॉन कॉर्डेटा आप बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने बोला ये बहुत क्लोज आ जाएंगे तब अपन नोटोकॉर्ड को इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अभी तो टिश्यू ही बना रहे हैं, तो नोटोकॉर्ड लिखना बस ऐसे ही पॉइंट बढ़ाने वाली बात है जब तक आप पूछना नहीं चाह रहे। फिर ये हो गया जनरल, फिर हमने स्पेसिफिक में क्या बात कर ली, नीडोसाइट की बात कर ली, ठीक है, नीडोसाइट की बात हो गई, निमेटोसिस्ट की बात हो गई, जो कैप्सूल है वो इम्पोर्टेंट है, और स्पेसिफिक फीचर में हमने नीडोसील की बात कर ली, जो उसका सेंसिटिव ट्रिगर करने वाला है, ये हो गया स्पेसिफिक। देन हमने सिस्टम में आए हम थोड़ा, और सिस्टम में हमने बात की कि जो इसकी सिलेंट्रॉन कैविटी है वो स्पेसिफिक है, ठीक है, वो गैस्ट्रोवेस्कुलर वर्क कर रही है, गैस्ट्रोवेस्कुलर वर्क कर रही है, डाइजेशन भी कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है, तो सिलेंट्रॉन के बेसिस पे अपन ने बात कर ली, एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने और क्या बात किया, इसी से रिलेटेड है कि एक्स्ट्रा होगा या इंट्रा होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा होगा तो गैस्ट्रिक कैविटी में हो रहा है, एंड इंट्रा होगा तो सेल के अंदर फूड वैक्यूल में हो रहा है, इसलिए दोनों ही तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे रिपोर्टेड है। फिर रेस्पिरेशन में हमने बात की, गैसेस डिफ्यूजन होगा, मतलब फिजियोलॉजी में हम लोग आ गए, डाइजेशन की बात हो गई, रेस्पिरेशन की बात हो गई, एक्सक्रीशन की बात हो गई,
और स्केलेटन की कुछ ऐसे खास, इसमें स्केलेटन वाला है नहीं, स्पीक्यूज जैसा नहीं है। टेंटिकल्स अपन ने थोड़े ऐड कर लिए। अभी पॉलिक मेडुसा का बात करना बाकी है डिटेल में। टेंटिकल्स हो गए एंड अभी क्या बताया लास्ट, रीफ का फॉर्मेशन हो गया है, नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम की बात हुई, ऑब्वियसली ये इससे रिलेटेड है, टेंटिकल से रिलेटेड है, क्योंकि वो स्टिमुलस को रिसीव करके एक्टिविटी को शो किया है। तो नर्व नेट की बात हो गई, नर्वस सिस्टम की बात हो गई एंड कोरल रीफ के डिपोजिशन की बात। इतनी सारी बातें हुई, ये सिलेंड्रेटा का यहाँ से हो गया स्पेसिफिक, और ये वाले हो गए जो ऊपर वाले, वो जनरल पैरामीटर्स के बेसिस पे आपने क्या देखा सिलेंड्रेटा में, वो कौन सी प्रॉपर्टी को शो किया। अब लास्ट में अपन क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन। फिर इसके बाद पॉलीपोर मेडुसा को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो रिप्रोडक्शन में अभी लोवर ही चल रहा है, तो फेवरेबल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये सेक्शन में, लेकिन फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, बडिंग होगा। तो रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, और ये आपका फेवरेट एग्जाम्पल वही हाइड्रा, ठीक। सेक्सुअल बाय प्रोडक्शन ऑफ गैमेट, कोई डाउट नहीं है, गैमेट का फॉर्मेशन होना चाहिए, होगा और वो फ्यूजन होगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। डेवलपमेंट की बात करें, मतलब जायगोट से एडल्ट कैसे बनेगा वो डेवलप, तो जायगोट बना, इनडायरेक्ट लिखा है तो आप सीक्वेंस बताओ। फर्स्ट जायगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से लार्वा, लार्वा कई सारे हो सकते हैं, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, लार्वा नंबर जिस फाइलम में जो भी है, तो लार्वा के नंबर्स हो सकते हैं, लार्वल स्टेज अलग अलग हो सकती है, एंड फाइनली एडल्ट। तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या है, जायगोट बना, एम्ब्रियो बना, एडल्ट बना, नो लार्वल स्टेज, दिस इज डायरेक्ट डेवलपमेंट प्लान, ओके, क्लियर है। तो यहां पे लिखा है कि फ्यूजन हो गया, गैमेट फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में जायगोट बन गया, एम्ब्रियो बनेगा, क्लीवेज होगा एंड देन लार्वल स्टेज आ जाएगी। तो डेवलपमेंट क्या हो गया, इनडायरेक्ट। अब मैंने बोला था लार्वा के नेम इंपॉर्टेंट है, 3 to 4 फाइलम तक, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड आपको मिलेगा, जहां पे मिलेगा वहां पे आपको याद रखना है। तो एम्फीब्लास्टुला और पैरेन्काइमुला लार्वा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो पोरिफेरा में। नाउ इट इज प्लैनुला। अब प्लैनुला नाम याद रखने से सिर्फ नहीं होगा, ये फ्री लिविंग है एंड ओबिलिया का लार्वा है, क्योंकि ओबिलिया जो है वो पॉलिप और मेडुसा दोनों फॉर्म को शो कर। अभी बात करते हैं उस पर डिफरेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है लार्वल स्टेज का नाम। एंड ऑरेलिया, जेलीफिश, एफाइरा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्लैनुला। प्लैनुला लार्वा किस फाइलम से रिलेटेड, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन में आपको निडेरिया आएगा, ऑप्शन में आपको पोरीफेरा आएगा, टीनोफोरा आएगा, आंसर इज निडेरिया, ठीक है। तो सिर्फ सिलेंड्रेटा याद करके भी काम नहीं हो, इसके नाम याद रखो। समझ में आ गई ये वाली इंफॉर्मेशन सबके कंप्लीट। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्लान है, मतलब कि लार्वल स्टेज बीच में आएगी, एम्ब्रियो और एडल्ट के बीच में लार्वल स्टेज आएगी। कॉमन क्या है, जाइगोट बनेगा, कॉमन क्या है, एम्ब्रियो बनेगा, और कॉमन क्या है, एडल्ट। लेकिन एडल्ट कैसे बन रहा है, डायरेक्ट बन गया एम्ब्रियो से, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट एडल्ट वाया लार्वल स्टेज बन रहा है, तो वो लार्वल डेवलपमेंट में वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो जाए। क्लियर। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक, जो यहाँ का एक फेवरेट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, सिलेंट्रेटा के स्पेसिफिक फीचर में आता है पॉलीपोर मेडुसा, इस तरीके का आपको सिर्फ सिलेंट्रेटा में ही दिखेगा। तो इसे को बोलते हैं टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स। तो मॉर्फोलॉजी हो गई है, आप एक वर्ड वहां पे लिखो एनसीईआरटी में, डायमॉर्फिस, डायमॉर्फिक या डायमॉर्फिस, ओके, दैट इज पॉलिप और मेडुसा। द फॉर्मर इज ससाइल, मतलब स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, एंड सिलिंड्रिकल, इस तरीके से सिलिंड्रिकल, ओके, फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडेमसिया, हाइड्रा तो याद रह जाता है, एडेमसिया को माफ करो। वेयर एज द लेटर इज, मतलब दूसरा मेडुसा वाला फॉर्म क्या है,
अम्ब्रेला शेप, तो ये सिलेंड्रिकल हो गया, ये अम्ब्रेला हो गया शेप, एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया एंड जेलीफिश, दोनों इसी में आ जाते, इवन ऑरेलिया को ही जेलीफिश बोलते हैं। ओके, ऑरेलिया जो शो करता है वो किस तरीके का शो करता है, मेडुसा, ठीक है, कैसा रहेगा, फ्री स्विमिंग, स्विमिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर, मूवेबल है, सेसाइल नहीं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, दोज निडेरियन विच एग्जिस्ट इन बोथ फॉर्म एग्जिबिट अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, दिस टर्म इज मेटाजेनेसिस, मतलब एक ही निडेरियन है, एक ही स्पीसीज आप पढ़ रहे हो, और वो अपने लाइफ स्पैन में पॉलीफॉर्म में भी है, मेडुसा फॉर्म में, ओके, चेंज कर रहा है। तो जैसे अपन पढ़ते थे गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, उसको भी बोलते थे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एक हैप्लॉयडी को शो करता है, एक डिप्लॉयडी को शो करता है, तो यहाँ पे हैप्लॉयडी डिप्लॉयडी वाला इसीलिए बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन बोथ फॉर्म आर डिप्लॉयड, तो ये आप कहीं पे लिख लेना, वहीं पे जहां पे पॉलीफ और मेडुसा वर्ड आया है ना, तो वहां पे आप लिख लो ऐसे ब्रैकेट में, टू एंड टू एन, दोनों ही टू एंड टू एन। ओके, क्लियर, तभी इसकी साइकिल समझाते हैं, और यहाँ पे जो हमने अभी तक बताया उसको हम थोड़ा समरी करते हैं, यार को पूरा समझा देते फिर समरी करते। दैट इज पॉलिप प्रोड्यूसेस मेडुसा, एक ही ऑर्गेनिज्म में चेंज हो रहा है, मतलब एक दूसरे को वो प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, जैसे स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट का प्रोडक्शन होता था, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट का प्रोडक्शन होता था, उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है कि पॉलिप है, सेसाइल फॉर्म है, सो उससे अम्ब्रेला वाला मेडुसी फॉर्म प्रोड्यूस होता है, एंड दिस इज बाय बडिंग ए सेक्सुअली, ब्रैकेट में लिख लेना बडिंग, ये एनसीईआरटी की लाइन है, उसको आप थोड़ा इलेबोरेट करो। ओके, एंड मेडुसा फॉर्म पॉलिप सेक्सुअली, मेडुसा से अगर पॉलिप बन रहा है तो बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, मतलब एक मेडुसा फीमेल गैमेट को बना रहा होगा, दूसरा मेडुसा मेल गैमेट को बना रहा होगा, दोनों गैमेट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, अब लार्वल स्टेज किस जगह पे आएगी ये आपको यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए, लार्वल स्टेज जब मेडुसा से पॉलिप फॉर्म बन रहा होगा उसमें आएगा। ओके, तो ये चला गया अभी एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से लार्वा, लार्वा से पॉलिप फॉर्म में चला, दिखाते हैं हम इमेज इसकी, अभी अब बस ये समझो कि एक ही ऑर्गेनिज्म है, वो पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप में कन्वर्ट हो सकता है, तो अगर पॉलिप फॉर्म ने एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया है तो वो मेडुसा को बना देगा, और अगर मेडुसा फॉर्म ने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर दिया तो वो पॉलिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये दोनों अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन उसके लाइफ स्पैन में चलते रहते हैं। इज इट क्लियर, बट बोथ आर डिप्लॉयड, जो आप प्लांट से इसको रिलेट कर लेते हो लेकिन समझने के बाद जो गलती होती है, दैट इज यहाँ पे डिप्लॉयडी ही रहती है। पहले हम एक फ्लो चार्ट दिखाते हैं आपको, ओबेलिया का ही एग्जाम्पल है, ओबेलिया ये अपने को ध्यान रखना है, ये ओबेलिया का मेडुसा फॉर्म है, ये ओबेलिया का पॉलीफॉर्म। अब हम कह रहे हैं पॉलीफॉर्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो मेडुसा फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब इसका बर्ड बना, बर्ड डिटैच्ड हुआ, ठीक है, इसको आपने क्या बोल दिया, मेडुसा बर्ड, अगर ये बर्ड डिटैच होके पॉलीफॉर्म में कन्वर्ट है तो इट इज ऑल्सो ओके, ठीक है, लेकिन वो स्पेसिफिक बर्ड जो मेडुसा में कन्वर्ट होगी उसको आप क्या बोलते हो, मेडुसा बर्ड, डेवलप हुई, मेडुसा स्टेज में आ गई, टेंटिकल सब नीचे की तरफ दिख रहा है, माउथ नीचे की तरफ वेंट्रल पोजिशन पे आ गया, अब ये एक मेल है एक फीमेल है, कौन सा है, ये फीमेल है ये मेल है, एक से मेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ, एक से फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, क्रॉस होगा तो आपको दो दो एनिमल्स चाहिए उसके, फ्यूजन हुआ, जायगोट हुआ, अब देखो यहाँ पे हैप्लॉयड स्टेज सिर्फ यहीं पे था, दैट्स व्हाई इट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लेकिन यहाँ पे हैप्लॉयडी प्लॉयडी वाला अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है जो प्लांट के केस में होता है, तो हैप्लॉयड सिर्फ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ही है जो मियोसिस से बने हैं, तो ये हैप्लॉयड फेज इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद जायगोट बना और ये तुरंत डिप्लॉयड में आ चुका है, इसका मतलब पॉलिप भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, और पॉलिप से फ्रेगमेंट बडिंग से बना है तो यहां तो कोई मियोसिस हुई नहीं थी तो ये भी डिप्लॉयड होगा, तो ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है, तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉर्म के बेसिस पे है ना कि प्लॉयडी के बेसिस पे, इज इट क्लियर, नोट कर लेना इसको, स्टार मार्क करके ये वाली गलती मत करना बेटा।
ये अभी ऐसी गलती है जो बच्चे करते हैं, सारे टीचर इसको एक्सप्लेन नहीं करते हैं। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में प्लॉयडी तक जाएंगे ही नहीं क्योंकि कहीं लिखा ही नहीं है, बट वो लाइफ साइकिल हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हमारे दिमाग में प्लांट वाला और इसका कंपेरेटिव चलता है तो एक माइंड सेट हो जाता है। और उसमें बच्चे क्या करते हैं, इसको टू एन कर देते हैं क्योंकि यहाँ मियोसिस हो रही है, और इसको एन कर देते हैं। तो टू एन और एन इसके बीच में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अपने आप ही उनके माइंड में क्रिएट हो जाता है। क्लियर? तो ये आप ध्यान रखना, दोनों ही डिप्लॉयड होते हैं। मियोसिस होने के बाद जो गैमेट बने हैं, ओनली दैट फेज इज हैप्लॉयड, एंड दिस अल्टरनेशन एंड जनरेशन इज बेस्ड ऑन डायमॉर्फिज पॉलिप एंड मेडुसा। ओके, फिर देखो एम्ब्रियो डेवलप हुआ, क्लीवेज स्टार्ट हो गया, 2 से 8 सेल स्टेज आ गया, देन ब्लास्टुला बना, फिर लार्वा स्टेज आ गया, लार्वा प्लैनुला फ्री स्विमिंग, फिर मैंने स्टार मार्क कराया ओबिलिया का, ये क्वेश्चन है। वो सेटल डाउन हुआ, अब वो ग्रो कर रहा है, टेंटिकल्स बने, ऊपर की तरफ बन रहे हैं और सेसाइल हो गया, तो ये पॉलीफॉर्म आ गया, है ओबिलिया ही। ये नहीं कहोगे कि ये ओबिलिया है, ये दूसरा कुछ है, स्पीसीज एक ही है, फॉर्म अलग है। ओके बेटा, जैसे फर्न और प्रोथेलस थे उसी तरीके से, लेकिन वहां हैप्लॉयडी डिप्लॉयडी भी चल रही, यहाँ हैप्लॉयडी डिप्लॉयडी नहीं। फिर वो मैच्योर हो गया, मैच्योर होगा ट्राइजोजिनस बड को फॉर्म करेगा। ओके बच्चा, क्लियर है? और इमेज देख लो इसका, ये पॉलिप स्ट्रक्चर हो गया, इससे मेडुसा बड डिटैच हो रही है, ये आगे जाके मेडुसा को फॉर्म कर देगा, एंड वहां से गैमेट का फॉर्मेशन होगा, दूसरा कहीं से स्पर्म आया, दोनों का फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट, प्लैनुला लार्वा बनना, मूवेबल है, फिर स्टेबल हो जाएगा कहीं और मैच्योर पॉलिप को फॉर्म कर देगा और ये चला जाएगा। तो दिस इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऑफ पॉलिप एंड मेडुसा। अब ध्यान से, जो आपके एनसीईआरटी में इमेज है यही वाली इमेज है, बट ये फिल इन द ब्लैंक है, जस्ट आप इसको फिल इन द ब्लैंक कर लो एनसीईआरटी वाली इमेज में, ताकि आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन शो कर रहा है? मेडुसा। तो मेडुसा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, फॉर्मेशन ऑफ पॉलिप हो जाएगा। पॉलिप एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन किया, फॉर्मेशन ऑफ मेडुसा हो जाएगा। जस्ट नोट इट डाउन बेटा, अभी कैविटी वेविटी भूल जाओ, जब जो चीज बताए उस चीज पे फोकस करो। एनसीईआरटी में इमेज है, मिला बीच में लिखो फटाफट। मेडुसा जो अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज मेडुसा, एंड जो दूसरा आपको दिख रहा है स्टेबल दिख रहा है, ऊपर की तरफ टेंटिकल है, वो पॉलिप फॉर्म हो गया। मेडुसा से पॉलिप कन्वर्जन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होता है, एंड पॉलिप से मेडुसा का कन्वर्जन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, एंड दिस प्रोसेस इज मेटाजेनेसिस। मेटाजेनेसिस यहाँ लिखा हुआ है, हम यहाँ फिर से बड़ा लिख देते हैं, मेटाजेनेसिस। दिस इज द क्वेश्चन बेटा, जो आएंगे आते हैं, है ना, पीवाईक्यूज में आपको मिलेंगे फ्रिक्वेंटली, अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन बना के, कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देख के पूछ सकता है। आपको मेटाजेनेसिस दिख रहा है लेकिन बाकी कैरेक्टरिस्टिक सिलेंडर एटा का नहीं है, तो वो इनकरेक्ट ऑप्शन में चला जाएगा। तो सारे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में भी ये आता है। हो गया कंप्लीट? अब देखो यहाँ पे कुछ टर्म्स आपकी लाइफ में 2-3 दिन में आए हैं, उसको हम थोड़ा सा आपको रिकॉल कराए। एक तो ये पहले बता देते कि यहाँ पे क्या हो रहा है। दिस इज अबाउट लाइफ फॉर्म ऑफ सिलेंट्रेटा, ठीक है, कि वो दिखता कैसा है इस पे अपन बात कर रहे हैं, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी। तो एक एनिमल ही ऐसा है कि वो हमेशा पॉलिप फॉर्म में है, जिसमें आपका हाइड्रो और रेडेंसिया आ जा रहा है। एक वो एनिमल ही ऐसा है कि वो हमेशा मेडुसा फॉर्म में है, एक कंडीशन ये है, दिख रहा है ना, मेडुसा फॉर्म में है, एक कंडीशन ये है। एक हमने थर्ड कैटेगरी देख ली जिसमें एनिमल पॉलिप से मेडुसा में कन्वर्ट कर रहा है। एनिमल एक ही है लेकिन वो पॉलिप से मेडुसा, मेडुसा से पॉलिप में कन्वर्जन को शो कर रहा है। तीन चीज देख रहे हैं, पैरेलल दिमाग में रखना है आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। तो पॉलिप के अलग एग्जाम्पल है, मेडुसा के अलग एग्जाम्पल है,
एंड इसके अलग एग्जाम्पल है, इसमें आपको वन एंड ओनली ओबेलिया याद रखना, ठीक है? क्लियर है इतनी बातें? अब हम जब ये कह रहे हैं कि जब पॉलिप से मेडुसा या मेडुसा से पॉलिप कन्वर्जन होता है, तो इस टर्म को हमने बोला मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस, ठीक है? ऐसे क्या क्या टर्म आ चुके हैं आपके पास? मेटामेरिज्म आ चुका है, ठीक है? एंड जब आप लार्वा से एडल्ट बना रहे हो, लार्वा से एडल्ट बना रहे हो, दैट इज मेटामॉर्फोसिस, ठीक है? जो आप बटरफ्लाई का कभी एग्जाम्पल देखे हो, पढ़े हो कहीं पे, तो उसमें आया होगा। तो ये तीनों टर्म याद रखना, मेटा मेटा मेटा। लेकिन मेटाजेनेसिस क्या है? पॉलिप का मेडुसा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है मेटाजेनेसिस। ओके, मेटामेरिस क्या है? ट्रू सेगमेंटेशन या सेगमेंटेशन है, क्योंकि फर्स्ट मेटामेरिस भी होती है। तो सेगमेंटेशन से रिलेटेड एक्सटर्नल और इंटरनल आप बात कर रहे हो, दोनों है, तो ट्रू सेगमेंटेशन बोल रहे हो, ट्रू मेटामेरिस बोल रहे हो, ट्रू सेगमेंटेशन इन बॉडी। ओके, एंड मेटामॉर्फोसिस क्या है? लार्वा से एडल्ट का बनना मेटामॉर्फोसिस है। तो कभी भी तीनों ऑप्शन में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप जब जब पढ़ो तो आप तीनों को याद किया, क्योंकि अभी तक आपने मेटाजेनेसिस पढ़ा नहीं था कभी, इसलिए मैंने ये टर्म भी यूज नहीं किया। मेटामेरिज्म आया था उस दिन भी बता सकते थे, लेकिन अपने को ध्यान रखना है तीनों आ गया तब हमें समझना। मेटामॉर्फोसिस ऑफ लाइफ में सुन रखे हो, लार्वा से किस कैटरपिलर जब भी पढ़े होगे, तो वो क्या होता है? इन बिटवीन स्टेज है, एंड जब फाइनली बटरफ्लाई बन जाती है तो वो एडल्ट हो जाती है। तो लार्वल स्टेज जितनी भी होती है और उसमें कन्वर्जन होता है, वो मेटामॉर्फोसिस होता है। टैडपोल फ्रॉग का लार्वा होता है और फ्रॉग एडल्ट होता है, वहां पे भी आप टर्म यूज करते हो मेटामॉर्फोसिस। ओके, तो ये ध्यान रखना। तो हम सिलिंट्रेटा में पॉलिप केस, मेडुसा केस अलग अलग एक एक ऑर्गेनिज्म में भी देख सकते हैं, और एक ही ऑर्गेनिज्म में देख रहे हैं तो उसको हम अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन कहते हैं, एंड दिस कन्वर्जन इज नोन एज मेटाजेनेसिस। क्लियर? ओके, ये सबने नोट कर लिया? तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन की गलती होने के चांसेस बेटा होते हैं बच्चों के, आपको नहीं करना है भाई, आप लीड बना लो। क्लियर है? बाकी चीजें कॉमन है। देखो, टेंटिकल्स का पोजीशन क्वेश्चन आता है, इसके वेंट्रली होते हैं, इसके एंटीरियर होते हैं, दिस इज नॉट डॉर्सली, इसके एंटीरियर होते हैं। पॉलिप में ऊपर के साइड में होंगे, इसमें नीचे की तरफ। मेडुसा में अम्ब्रेला बॉर्डर लाइन ऊपर की तरफ होता है, यहाँ पे टेंटिकल ऊपर की तरफ होता है, और नीचे बेसल में स्ट्रेटम से अटैच्ड होने के लिए टिश्यूज होते हैं, और ये टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी आप कोई भी ऑर्गन नहीं बोलोगे तो भी गलती से। क्लियर? अब एक सारी चीजें नहीं, इतना आपके काम का जो आप पढ़ चुके हैं। फिक्स्ड ज़ूआइड मतलब एनिमल, एसेक्सुअल, इट इज सिलिंड्रिकल इन आउटलाइन, इट इज अम्ब्रेला शेप, फ्री स्विमिंग, सेक्सुअल, टेंटिकल्स अकर अलोंग द मार्जिन ऑफ अम्ब्रेला मेडुसा, में टेंटिकल्स फाउंड एट द अपर एंड ऑफ मेनुब्रियम। हाइपोस्ट्रोम के पास जो पूरा टिश्यू होता है उसको अपन कलेक्टिवली मेनुब्रियम बोलते हैं। ओके बच्चों, ये हो गया आपका। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी समझ में आ रही है, डर्मिस समझ में आ रहा है, सराउंडिंग, टेंटिकल्स, फॉर्म, पॉलिप, मेडुसा, ये सारी चीजें क्लियर। नाउ एग्जाम्पल पे आ जाए तो इंपॉर्टेंट फीचर फिर से देख लो। नीडोब्लास्ट सेल, नेमेटोसिस्ट कैप्सूल है बेटा, सेल नहीं है, ठीक है? नीडोब्लास्ट का पार्ट है नेमेटोसिस्ट। एंड देन आपका टेंटिकल्स का फर्स्ट टाइम आना, ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम वाली तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टेक्निकली डिप्लोब्लास्टिक है, फर्स्ट प्रीडेटर है, फर्स्ट नर्वस सिस्टम है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के। नर्व नेट सिस्टम है, नर्व नेट एंड
पॉलिप मेडुसा डायमॉर्फिक, दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल पे आ जाए, कुछ एग्जाम्पल आपने साथ साथ पढ़ लिए, कुछ जनरल नेम के साथ आपको ध्यान रखना है। दिस इज जनरल नेम पाइसेलिया, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, एनसीईआरटी में भी दिया है ना जनरल नेम ब्रैकेट में। एडेंसिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, कॉर्गोनिया सी फैन, मेंड्रियना ब्रेन कोर। क्या नहीं है इसमें? ऑरेलिया नहीं, ठीक है, ऑरेलिया जेलीफिश। चलो अभी आगे नहीं चलो, तो देखो यहाँ पे बेटा जैसे ये दिख रहा है ऑरेलिया जेलीफिश। अब एक चीज और ध्यान देना, मेरा इंस्ट्रक्शन है अभी से, पहली बार फिश वर्ड आया, ओके तो ऐसे जब तक फिश वर्ड आते रहेंगे और वो ट्रू फिश नहीं होंगे, उनकी आपकी लिस्ट अलग हो, वो एक कॉमन क्वेश्चन है। जेली फिश आएगा, स्टार फिश आएगा, ऐसे फिश वर्ड आते रहेंगे, लेकिन ये अभी फिश तो है नहीं, स्पाइसेस तो बहुत बाद में आएंगे, समझे हम क्या बोल रहे हैं, तो ये फिश नहीं है। तो एक जनरल क्वेश्चन बोलता है, तो गिवन सेट में विच वन इज नॉट द ट्रू फिश, ओके, या ऑड वन पूछ लेगा, तो हो सकता है सब फिश फिश दिया है और उसमें एक रियल फिश दिया हो, तो वो भी ऑड हो जाएगा। सारी रियल फिश दी है, बीच में जेली फिश दिया है, दैट इज ऑल्सो ऑड, ओके, तो वो ध्यान रखना है आपको। तो जेली फिश रियल फिश नहीं है, ऑब्वियसली समझ में आया, सिलेंट्रेटा में रियल फिश आ ही नहीं सकती, ओके। तो हाइड्रा दिख रहा है आपको, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, जेली फिश, उसको कॉमन नेम मून जेली भी बोलते हैं, ऑरेलिया, ये आप नोट कर लो एनसीईआरटी में, एंड एडेंसिया आपको दिया ही हुआ है। एडेंसिया और हाइड्रा क्या है आपके पॉलिप के एग्जाम्पल भी है। पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर एकदम आउट ऑफ वर्ड नेम लगता है, ठीक है, पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर ऐसे लग रहा है किसी जमाने में किसी सेना के किसी पोस्ट वोस्ट की बात हो रही है या किसी पूरे टुकड़े की बात हो, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिलेंट्रेटा। इमेजेस दिखाती हूँ मैं अभी और रियल इमेज दिखा देते हैं। ये आपने नोट कर लिया, जेली फिश, मून जेली, और ऑरेलिया, मेडुसा सेफ होगा, है ना, मेडुसा। चलो पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर देखो, यहाँ रियल इमेज स्टिंगिंग होता है, ह्यूमन के केस भी रिपोर्टेड होते हैं, बीच के किनारे कभी कभी दिखते हैं, तो एकदम कैसे सुंदर से बलून जैसे दिख रहे हैं, तो बच्चे ऑब्वियसली इसको उठाने जाएंगे, और जब तक उठाएंगे तो ये टेंटिकल से हिट कर देगा, और उस केस में पर्टिकुलर पर्सन डेथ का केस रिपोर्टेड कम होता है, अपने इंडिया में तो नहीं है, बीच मुंबई के बीच वगैरह पर रिपोर्टेड हुआ था, लेकिन पैरालिसिस हो जाता है थोड़ी देर के लिए, अनकॉन्सियसनेस हो जाता है, तो स्टिंग्स वही जो आपने अभी देखा डिस्चार्ज होने वाला वो दिख रहा है, और ये ऐसे फ्लोटिंग दिख रहा है आपको, ओके ठीक है, यहाँ पे होंगे, यहां से निकलेंगे स्टिंग्स इस तरह से, ये वाले कंफ्यूज नहीं कर, ये तो उसके स्विमिंग के लिए हेल्प कर। फिर सी फैन, गॉर्गोनिया, वो चाइनीज वाला सायोनारा वाला देखा होगा फैन, ऐसे 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 करते हैं ना, तो वही सी फैन है, उसी से फैन वर्ड आया, ये नहीं है, ये सी एनिमोन गलती से लगा, एनिमोन है। फिर पेनेटुला सी पेन, पुराने जमाने के वो राजा महाराजा लोग डिक्टेट करते थे और कोई लिखता था, तो इस तरीके की पेन दिखती होगी आपको, मोर के पंख लेते थे वो, तो उसी से इसका नाम आया है सी पेन, मोर के पंख से, ठीक दिख रहा है आपको, ये सब खतरनाक है। ब्रेन कोर, ये अपने ब्रेन जैसा दिख रहा है, अपने ब्रेन में ऐसे फोल्डिंग होती है, सल्कस गायरस, ओके, सेरेब्रम जैसा पूरा बड़ा, अब यहाँ पे आप देखो सरफेस पे इतना ही दिख रहा था, अब ये लोग नॉलेज वाले हैं तो उनको पता है, आइडिया लगा रहे हैं कि नीचे इतने साइज तक होगा, उन्होंने उठाया, अब देखो वो रियल में कितना था, ये दिख रहा, तो इसको क्या ब्रेन जैसे इसमें फोल्डिंग है, इसलिए ब्रेन कोरल बोलता है, कोरल से जो डिपोजिशन कैल्सियम कार्बोनेट के डिपोजिशन से फाइनली इनका एक स्ट्रक्चर बन गया, और ये कॉलोनियल होते हैं हमेशा, कोरल को ध्यान रखना, कॉलोनियल, ये कोई एक इतना बड़ा एनिमल नहीं है। ये भी ब्रेन कोरल दिख रहा है, अंडर वाटर है वो, बाहर से दिख रहा था, ये हमारा फेवरेट, ये तो मुझे बहुत पसंद है। सी एनिमोन, इकोसिस्टम में आप इसका इंटरेक्शन पढ़ते हो, और ये क्लोन फिश है, ये म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है आपका,
हमें तो ऐसे ही पसंद है, तुम्हें क्वेश्चन की तरह याद रखना है। दिस इज क्लोन फिश, जिसको ये स्टिंग नहीं कर सकता है उसका क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि क्लोन फिश एक म्यूकस का सिक्रीशन करती है, उसके सरफेस पे कुछ ऐसा सिक्रीशन है जिससे उसके टेंटिकल इस पे वर्क नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज द प्लस प्लस इंटरेक्शन, मतलब दोनों एक दूसरे से बेनिफिटेड है। जैसे माइकोराइजा वाले अपन ने बात किया, राइजोबियम की बात की, उसी तरीके से ये क्या है, ये सी एनीमोन इसको अटैक नहीं कर सकता, और इसको अटैक करने के लिए दूसरी फिशेज या क्रस्टेशियन कोई इधर घूम के आए तो सी एनीमोन उनको अटैक कर लेता है। समझ में आया? तो दोनों का कैसा है, म्यूचुअलिज्म है, सिम्बियोसिस है। सिम्बियोसिस के एग्जाम्पल में आता है। ओके, क्वेश्चन यही बनता है कि वो क्लोन फिश को क्यों नहीं अटैक कर सकते, बिकॉज ऑफ म्यूकस सिक्रीशन। एक सिक्रीशन है जो इस फिश के चारों तरफ है, और ये अपना आराम से रह रही है, इसको पता है यार कोई अटैक ही नहीं कर सकता। तो दोनों का म्यूचुअलिज्म। फिर ये आप डिफेंस वाला सिस्टम देखो, स्टार फिश अगर है तो वो इसकी प्रीडेटर है, इकाइनोडर्मेटा है स्टार फिश, तो आप देखो कैसे भागा। ठीक, ये वीडियो बहुत वायरल था, ये जियोग्राफी का वो जो आता है ना डिस्कवरी वगैरह, उसका वीडियो वायरल हुआ था। तो सी अभी ये स्टार फिश का मोमेंट इसमें नहीं दिख रहा, तुम्हें भोला भी तब भेजेंगे वीडियो। तो जस्ट उसने नीडो, उसके जो सारे टेंटिकल्स पे नीडो साइज वाली पोर्शन थी उसने सेंस कर लिया, और इसको अटैक करने जाएगा तो खत्म है कहानी। ठीक, तो वो वहां से मूवमेंट को शो कर रहा है, भाग रहा है। ओके, तो ये एनिमेशन देखो, और स्टार्टिंग में जो देखा था वो अटैक कर रहा था, वो ऑफेंस था, ये डिफेंस है जो सबसे स्टार्टिंग में प्रिडेशन वाला लगा रखा। ओके, तो यहाँ प्रिडेशन का एग्जांपल है। अब ये क्या आ गया, हैप्पी दिवाली आ गया। दिस इज टीनोफोरा, टीनोफोरा नेक्स्ट फाइलम आपका आ गया, टीनोफोरा। ये क्यों बने थे, क्या बने थे, साइंस में अभी तक समझ में नहीं आ रहा। ओके, बस ये पता है कि हाँ ये एक्सक्लूसिवली मैराइन है, तो इनको अपन लाके कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्रेश वाटर में छोड़ दें ऐसा भी नहीं कर पा रहे। और ये क्यों है, इनका न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत कम है, तो इनको इकोलॉजी में आप फूड चेन तो समझते ही हो, टॉप कॉर्निवोर तक जाते हैं अपन, तो इकोलॉजी में इनसे किसी को इतना न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा कि कोई इसको अटैक करे। तो ये टॉप कॉर्निवोर भी नहीं है, लेकिन ये बहुत लेस एनर्जी को वैल्यू को कंज्यूम कर होल्ड करके रखता है, इसलिए ये किसी का फूड भी नहीं बन पाता। मतलब ऐसे कोई भूखा है तो खा जाएगा, वो अलग बात, लेकिन कोई शौकिया इसको नहीं खाएगा। जैसे तुम्हें पालक नहीं पसंद होगी, ठीक है, लेकिन मम्मी ने बोल दिया आज खाना है, बनी ही पालक है, करेला बना ही है, तो आप खाओगे, तो वो उस तरीके का है। तो टीनोफोरा कुछ चीजें जो डिस्कवर हो गई उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, तो इसका बायोल्यूमिनेसेंस, जो हम अभी आगे पॉइंट आएंगे, जो हम लोगों की आई में, जैसे हम तुम्हें देख रहे हैं तो हमारी आई में रोडोप्सिन प्रोटीन्स है, रॉड एंड कोन सेल्स है, रेटिना पे प्रेजेंट होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो लाइट का कन्वर्जन है उन सबसे हमें रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इमेज बनती है रेटिना। ठीक है, तो उसका जो इवोल्यूशन है उसको फर्स्ट टाइम ऐसी प्रोटीन कंटेनिंग सेल्स, प्रोटीन को फॉर्म करने वाली सेल से रिलेट किया जाता है टीनोफोरा, जो एक ही सेल्स है, एक ही टाइप कैटेगरी के प्रोटीन है, लेकिन वो लाइट को एमिट करा रहा है। तो यहाँ पे एमिशन है, हम लोगों में एब्जॉर्प्शन है, हम लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लाइट में इमेज बनती है। ठीक है बच्चा, अब ये आपको दिख रहा है, ये इनके नेचुरल है, ये नेचुरल है, बहुत अंडर सी वाटर में रहते हैं, ये वहां पे बढ़िया से दिवाली मनाते रहते हैं। तो टीनोफोरा कॉमनली नोन एज सी वॉलनट। अब इसका जो अपेयरेंस आपको दिख रहा है ये कैसा, थोड़ा सा अखरोट जैसा, वॉलनट जैसा दिख रहा है, तो सी वॉलनट इनका जनरल नेम बोल दिया। और देखो इसमें कुछ चीजें और समझो, क्यों ये फूड चेन में डेड एंड है। डेड एंड मतलब उसको कोई खाना नहीं चाहता, ठीक है, और डोमिनेंट एंड मतलब कॉर्निवोर का कोई प्रीडेटर नहीं है, जैसे लॉयन का कोई नेचुरल प्रीडेटर नहीं है, तुम बंदूक लेके जाओ मार दो, केसेस चलते रहे, वो अलग कहानी। ठीक है, वो शिकारी जानबूझ के ह्यूमन ने मॉडिफाई कर लिया, लेकिन अगर निहत्ते ह्यूमन को खड़ा कर दो तो समझ में आ जाएगा कौन शिकारी। ठीक है, तो लॉयन हम पे अटैक कर सकता है अगर वो भूखा है और हम उसके सामने निहत्ते खड़े हैं,
तो ह्यूमन का तो वैसे ही कॉन्ट्राडिक्ट है वो भी, कि वो ट्रॉपिक जो फूड चेन है वहां पे कहाँ बिलोंग करता है, तो वेजिटेरियन अलग चला जाता है, लायन के सामने अलग कंडीशन है, तो किस कंडीशन में पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग है, वो डिफरेंट पार्ट है। लेकिन यहाँ पे तो वो सब क्यों चल रहा है, क्योंकि सब एक दूसरे से फूड फूड ले रहे हैं, और फूड में एनर्जी स्टोर्ड जो सेलुलर रेस्पिरेशन से तोड़ी जाती है। ओके बच्चा, लेकिन जब यहाँ पे भाई इतनी एनर्जी स्टोर वाला फूड ही नहीं मिलेगा तो इसको डेड एंड बोलते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, मिलेगा आपको, डेड एंड ऑफ मैराइन फूड चेन। समझ में आ गया क्यों है? अब वो क्यों है देखो, तुम ये तो दिख ही रहा है ट्रांसपेरेंट, तो हम कैसे कहेंगे इस गुब्बारे के अंदर कौन सी न्यूट्रिटिव वैल्यू मिल जाएगी और कितने अमाउंट में मिल जाएगी? तो इसको हंटिंग करने में एनर्जी लगाओ, उसके बाद डाइजेशन में एनर्जी लगाओ, और मिले कुछ भी नहीं। दैट्स वाई भी आप रिलेट कर सकते हो। तो बहुत ही सॉफ्ट सा, डेलिकेट सा है, जो ट्रांसपेरेंट है, इसके अंदर स्टोरेज बहुत टिश्यू नहीं है, लेकिन है ये एनिमल है। ओके बच्चे, तो उन्हीं सबसे जेली लाइक मटेरियल है, डेलिकेट है। एक टर्म और आ गया, कॉम जेली। तो सी वॉलनट, कॉम जेली, सी गूसबेरीज, ठीक है, सी वॉलनट, दो बार रिपीट होगा। ओके, तीनों फोर्स आर नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर। चलो इसके पहले अपन आ जाएं कि तीनों फोरा इनको क्यों बोला गया। फोरा मतलब बियरिंग, तीन मतलब एक कॉम प्लेट होती है इनके पास, ठीक है। जैसे आपका इमेज जो भी दिया हुआ है उसमें आप देखो, एनसीईआरटी के इमेज में ये आपको दिख रहा है, कैसे वो क्या बोलते हैं, लैंटर्न दिवाली में जलाते हैं उस टाइप का दिख रहा है, बस आग लगा के छोड़ने ही वाले। ओके, तो उस तरीके का अपियरेंस दिख रहा है। इसमें ये जो लाइनिंग है दैट इज कॉम प्लेट, ये इसको लेबल कर लो, फिर हम वापस बैक में चले। कॉम प्लेट, ठीक है, कॉम प्लेट पे सीलिया होते हैं। तीनों फोरा सबसे बड़ा एनिमल है जो सीलियरी मूवमेंट को शो करता है। एनिमल में प्रोटोजोवा सीलियरी मूवमेंट में थे, वो बात बहुत पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बाद कोई सीलिया से मूव कर रहा है, कोई फ्लैजेला से मूव कर रहा है, वो सेल होती है, स्पर्म सेल, ठीक है। सीलियरी मूवमेंट इन ट्रैकिया, सीलियरी मूवमेंट इन फैलोपियन ट्यूब, वो सब अलग मैटर, वो अंदर मूवमेंट हो रहा है, लेकिन पूरी की पूरी बॉडी सीलियरी मूवमेंट करे ऐसा शो करने वाला सबसे लार्जेस्ट एनिमल है। अप्रोक्सीमेटली 4 फीट से 5 फीट तक हो सकता है, और इस फिट में इसका ये टेंटिकल का भी आ जाएगा बेटा, ये नहीं कि सिर्फ इसका है ना। तो इसको कॉम्प्लेट कहे, कॉम्प्लेट पे सीलिया होता है। अब यहीं पे छोटा सा इमेज बनाओ, कॉम्ब किसको कहते हो आप, यूज करते हो ना बच्चा, थोड़ा सा तुम डिजाइन बना लेना कि एक जैसा दिखे, ठीक है। तो यही हो गया कॉम्ब, सीलिया को अपन ने, उस प्लेट पे सीलिया प्रेजेंट है और वो स्ट्रक्चर एकदम कॉम्ब जैसा दिख रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉम्ब। ऐसी कितनी प्लेट होती है, एट। ओके, एट प्लेट मल्टी सीलियरी, टेंटिकल्स पे सीलिया नहीं होते, ये जो आपको दिख रहा है दिस इज नॉट सीलिया। ओके, ये टेंटिकल्स है, फिर यहाँ पे भी लेबल कर लो टेंटिकल्स। ओके, अब ये जो अरेंजमेंट है कॉम्प्लेट का, इसी को बोलते हैं टीन, मतलब कॉम्प्लेट को बोलते हैं टीन, और टीन को बियर करने वाला एनिमल क्या हो गया, टीनो कोर। तो नेम पे आ गए, फाइलम का नाम क्यों है, चलो वापस बैग चलते हैं, फटाफट इसको खाते हैं। छोटा सा फाइलम में ज्यादा पॉइंट नहीं है, कुछ कॉमन चीजें। टीनोफोरा नोन फॉर देयर ब्यूटी एंड डेलिकेट नेचर, इन सनलाइट देयर कॉम्प्लेट गिव द इफेक्ट ऑफ रेनबो। ये सब आपको नोट नहीं करना, जस्ट एक बार सुन लोगे तो भी याद रहेगा। निमेटोब्लास्ट और निमेटोसिस्ट अब्सेंट होंगे, लेकिन जो इनकी सेल होती है वो स्टिंगिंग की जगह स्टिकी बिहेवियर को शो करती है। ओके, एब्सेंट, और इनके एब्सेंट होने से इनको एक टर्म दिया जाता है, एनिडेरिया, एब्सेंट, क्योंकि ये पहले सिलेंट्रेटा में थे। ओके, सिलेंट्रेटा की जब कैरेक्टरिस्टिक फीचर नीडोब्लास्ट सेल को बना दिया गया, तो इनको उनसे निकाल के एक अलग फाइलम बना दिया गया, इसलिए बहुत छोटा फाइलम है। एक्सक्लूसिवली मैराइन, पहली बार देखो टर्म आया है एक्सक्लूसिवली मैराइन, अभी तक क्या आ रहा था, मोस्टली मैराइन, एक्वेटिक एंड एक्सक्लूसिवली मैराइन वर्ड यूज करेगा
तो आप ये छोटे छोटे वर्ड से आपने ऑप्शन गलत कर देना, एकदम फोकस होके क्वेश्चन को भी पढ़ो और ऑप्शन को भी ध्यान से देना एनिमल किंगडम में। सॉलिटरी, कोई कॉलोनी में नहीं रहते, सॉलिटरी अकेले घूमते फिरते लाइट जलाते रहते हैं। सिमेट्री, रेडियल है, बॉडी इज सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट जेली लाइक डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज, एनसीईआरटी आगे बेटा मार्क कर लेना, विथ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दो फाइलम में होता है, एक सिलेंट्रेटा एक टीनोफोरा, सी साइलेंट रहता बेटा। द बॉडी बियर्स एट एक्सटर्नल रोज, मार्क करो, अगर एनसीईआरटी से ही आएगा तो यही सबसे बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, जो कोई गलत नहीं करेगा ये भी बता दें। ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट, सीलिया प्रेजेंट है, विच हेल्प इन लोकोमोशन, तो सीलियरी लोकोमोशन शो करने वाला सबसे बड़ा एनिमल है। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेलर एंड इंट्रा सेलर, मतलब गैस्ट्रिक कैविटी है यहाँ पे, सिलेंट्रेटा से अलग, तो सिलेंट्रेटा से बहुत सारे फीचर इसके क्या होंगे, सेम होंगे। बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट लाइट, लाइट के एमिशन को बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ये सिलेंट्रेटा में भी है कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, लेकिन इनमें सभी के सभी बायोल्यूमिनेसेंस को शो करता है, इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर। ओके बच्चा, इट इस टाइप ये हो गया, कॉम कॉल्ड टीन कॉम्प्लेट के पास लिख लो, टीन बोलते हैं उसको, नेम टीनोफोरा मीन्स कॉम बियरिंग, बस ये लाइन लिखो, ये वर्ड लिखो जहां पे आपका आ गया ना, यहाँ पे कॉम एनसीईआरटी में इसको लिख लो टीन, एंड टीन बियरिंग करने वाला, टीन बियरिंग टीनोफोरा, एट वगैरह ये पे मेंशन हुए, समझ में आया। लाइक स्पॉन्जेस एंड निडेरियम, टीनोफोर्स हैव टू मेन लेयर्स ऑफ सेल्स दैट सैंडविच अ मिडिल लेयर ऑफ जेली लाइक मटेरियल विच इज कॉल्ड मेसोग्लिया, तभी अपन डिप्लोब्लास्टिक में डाल दिए, ओके, तो मेसोग्लिया होता है, बस इतना लिख लो। टीनोफोर्स आर द लार्जेस्ट नॉन कोलोनियल, सॉलिटरी बोला सभी समझना है हमें कि एक्सक्लूसिवली सॉलिटरी, इसका मतलब अकेले रहता है। नॉन कॉलोनियल एनिमल्स दैट यूज सीलिया हेयर एज देयर मेन मेथड ऑफ लोकोमोशन, ओके, सीलियरी मूवमेंट करने वाला लार्जेस्ट एनिमल है। इन टीनोफोर बायोल्यूमिनेसेंस इज कॉज्ड बाय द एक्टिवेशन ऑफ, ये नोट कर लेना, कैल्सियम एक्टिवेटेड प्रोटीन, अभी ये पूरी ब्रॉडली प्रोटीन की कैटेगरी है, फोटो प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो लाइट को रिसीव कर रहे हैं, लाइट को या तो एमिट कर रहे हैं या तो रिसीव कर रहे हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, फोटो प्रोटीन, जैसे फोटो पिगमेंटेशन थे, ओके, इसी में अपना है रोडोप्सिन, ओके, ऑप्सिन और रोडोप्सिन में कन्वर्जन वहां पे पढ़ेंगे, तो रोडोप्सिन, बस आपको क्या नोट करना है, कैल्सियम एक्टिवेटेड प्रोटीन, इसको एक्टिव होने के लिए कैल्सियम की रिक्वायरमेंट, कैल्सियम इज अ मिनरल विच इज हाईली रिक्वायर्ड फॉर एनिमल्स, ओके, प्लांट में तो था ही, वो माइक्रो में, एनिमल्स में भी कैल्सियम बहुत रिक्वायर्ड होता है अपने पूरे मस्कुलर मूवमेंट के लिए, नर्वस सिस्टम में कैल्सियम का इंपॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए आप जनरल सुनते हो गए कैल्सियम आयन की, आयरन की कमी लेडीज लोग होने लगती है 30+ में। इन सेल्स कॉल्ड फोटोसाइट, प्रोटीन है तो बेटा फोटोसाइट सेल के अंदर ही होगा और उसमें ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन की मैकेनिज्म चल रही होगी, तो एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और है, इन द जीनोम अराउंड 10 जीन्स, जीनोम एक बार बताया था, जो भी ऑर्गेनिज्म है उसका कंप्लीट जीन इज नोन एज जीनोम, ओके, 10 जीन्स इनकोड फोटो प्रोटीन्स, दीज जीन्स आर को एक्सप्रेस विद ऑप्सिन जीन्स, अब ये हायर की बात कर लियो, यही जीन को एक्सप्रेस होता है ऑप्सिन जीन के साथ इन डेवलपिंग फोटोसाइट्स, रेजिंग द पॉसिबिलिटी दैट लाइट प्रोडक्शन एंड लाइट डिटेक्शन मे बी वर्किंग टूगेदर इन एनिमल, ठीक है, लाइट को प्रोड्यूस भी करो, लाइट को डिटेक्ट भी करो, सेंसिटिविटी दोनों तरीके से रहेगी। अब ये जीन से जीन और पूरा इंटरेक्शन और कॉम्बिनेशन से निकल के आता है और यही इवॉल्व होके लास्ट में अपने आंखों तक आ गया है रोडोप्सिन, तो इसका प्रिकर्सर होता है,
जनरल स्टडी वाला पार्ट है, आपको इतना नहीं नोट करना है, बस फोटो प्रोटीन को आप ध्यान रखो। बायोल्यूमिनेसेंस के लिए कैल्सियम जरूरी है, एंड कैल्सियम जो प्रेजेंट है और जहां पे ये एमिट करने की प्रोसेस करा रहा है वो सेल है फोटोसाइट्स, और उनके पास कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि लाइट को एमिट कर रहे हैं। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई तो होगी नहीं, कोई बल्ब बल्ब तो लगा के घूम नहीं रहे हैं वो। ओके, तो उसमें क्या ऐसा हो रहा है कि लाइट को प्रोड्यूस कर रहे। ठीक है, वैसे हम जनरली पढ़ाए हैं तुम्हें और बोलते हैं कि प्लेटिहेलमिंथीज फर्स्ट ऐसा फाइलम है जहां पे ट्यूब विद इन ट्यूब तो नहीं कहेंगे, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाएगा। ओके, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जनरल जब तक पूछा जाए तब तक प्लेटिहेलमिंथीज लेना, और एक एक्सेप्शन का क्वेश्चन है कि टीनोफोरा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रिपोर्टेड था। ओके, ये अभी अंडर रिसर्च है, इसलिए जनरल वाले में प्लेटिहेलमिंथीज को रखा जाता है, लेकिन अगर ऑप्शन में पूछ लिया और बोथ ऑप्शन है, ठीक है, या टीनोफोरा के साथ आ गया है ऑप्शन में, तो टीनोफोरा को टिक कर देना। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी सिलोम नहीं है, कैविटी नहीं है, तो अपन इसको ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान नहीं बोलेंगे, लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, मतलब माउथ और एनस, इवन सॉरी प्लेटिहेलमिंथीज में नहीं, एस्केल्मेंथीज आएगा। तो अभी इसके बाद टीनोफोरा के बाद प्लेटिहेलमिंथीज आएगा सीक्वेंस में, वहां पे फिर से वन फोर आ जाएगा, माउथ और एनस दोनों की तरह वर्क करने के लिए, प्लांट सेल बॉडी प्लान और वन फोर, एंड उसके बाद एस्केल्मेंथीज आएगा, तब जाके आपका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आएगा ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान। ठीक है, तो प्लेटिहेलमिंथीज प्लांट सेक बॉडी प्लान को शो कर, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है उसका माउथ और एनएस पार्ट। अब एक चीज और आपको ध्यान रखना है, सिलेंड्रेटा से ही निकल के आ रहा है, लेकिन इसमें लेवल ऑफ सेंसिटिविटी थोड़ी सी इंक्रीज हो गई, क्योंकि सभी मूव कर रहे हैं ना, तो मूव करने में जो पहला काम है वो है बैलेंसिंग का। अगर आप चल रहे हो और आप गिर गए, मूव करते वक्त सबसे ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका बैलेंस बना है, जो आप अननोइंगली, आपको पता है बैलेंस बनाने में कौन सा ऑर्गन रोल प्ले कर रहे हैं अपने बॉडी में, ईयर, इंटरनल ईयर वाले पोर्शन से बैलेंसिंग होती है। आप जब गोल गोल घूम के आप खड़े होते हो और थोड़ी देर चक्कर आता है, तो वो सब वहां पे स्टेबल होता है। ओके, तो उसी तरीके से उसका जो प्रिकर्सर है दैट इज स्टेटोसिस्ट, आप ध्यान रखना स्टेटोसिस्ट पहला वो है जो बैलेंसिंग के लिए इंट्रोड्यूस हुआ, कई बार आएगा ये भी चलता रहेगा कुछ टाइम, तो स्टेटोसिस्ट फॉर बॉडी बैलेंसिंग। प्रेजेंट इन टीनोफोरा, ठीक है, स्टेटोसिस्ट सिर्फ नोट कर लो। अब आ जाओ इधर, सिस्टम में तो कुछ भी नहीं है बेटा, स्केलेटल नहीं है, एक्सक्रीटरी एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फिर से वही है, थोड़ा सा एनसीईआरटी गेम खेल देती है कहीं। ठीक है, तो स्केलेटल एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है ना सर, नहीं सिस्टम की बात ही नहीं किया, एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, अगर सिस्टम वर्ड यूज कर रहे हैं तो अब्सेंट रहेगा टीनोफोरा में। रेस्पायरेशन होगा बेटा, लिविंग है तो वो सेलुलर रेस्पायरेशन कर रहा है, तो गैसेस डिफ्यूजन, ये भी डिफ्यूजन, लेकिन कुछ जो ये बहुत ज्यादा डेलिकेट है, वो तो आपको सॉलिन दिख रहा है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है ना, तो एक कैविटी, एक वॉलनट स्ट्रक्चर उसने बना दिया है, लेकिन छूने पे वो अंदर बलून की तरह जा सकता है, तो डेलिकेट है, इसलिए कोई स्केलेटन नहीं है इसके पास। तो रेस्पायरेशन और एक्सक्रीशन बाय द गैसेस डिफ्यूजन, सिस्टम नहीं चाहिए, सिर्फ लेयर है, अंदर कैविटी है, तो लेयर पे ही सेल है, उस सेल को ही ऑक्सीजन चाहिए, वो अपना गैसेस एक्शन से रिसीव कर ले। दे आर कॉर्निवोर, सभी अटैकर है। ओके, लेकिन अटैकिंग के लिए स्टिंग, स्टिंग वाले फिनोमेना को नहीं यूज करते, ये स्टिक के फिनोमेना को यूज करते, तो लैसो, लस लसा, अपन ऐसे बोलते हैं ना, लस लसा रहा है, ठीक है, चिपचिपा, तो लैसो स्टिकी, इसलिए इनको सिलेंड्रेटा से हटा के दूसरा एक पूरा फाइलम बना दिया। अ पेयर ऑफ लॉन्ग सॉलिड टेंटिकल्स आर प्रेजेंट इन प्लेस, ये टेंटिकल्स अलग है बेटा और सीलिया अलग है, इसलिए मैंने इमेज में मार्किंग कराई है। अ पेयर, दो देखो, दो टेंटिकल दिख रहा है,
In place of nematoblasts, a special type of cells are present on tentacle known as lasocells or coloblast. कोलोब्लास्ट को ही लैसोसेल्स बोलते हैं. अगेन वही कॉन्सेप्ट है, ब्लास्ट प्रिकर्सिव होती है, साइट अगर लिखा है साइट या सेल तो वो मैच्योर फॉर्म होगा. विच हेल्प इन कैचिंग द प्रे, कॉर्निवोर अटैकर होंगे, प्रिडेशन करेंगे. तो आपको बहुत सारी तो यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, सब सिलेंड्रेटा से कॉमन है, इसलिए सिलेंड्रेटा में था. ओके एक तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, वो जब तक पूछा ना जाए तब तक आपको बताना भी नहीं, लेकिन पूछा जाएगा तो इम्पोर्टेंट पार्ट भी होगा, ये भी ध्यान रखना. मतलब गलती करने के चांसेस हैं क्योंकि बच्चे यही ध्यान रखेंगे. एस्केलमेन थीज से आएगा ट्यूब विद इन ट्यूब क्लास, तो उसके पहले के जितने भी कॉम्बिनेशन दिए जाएंगे उसको आप डाल दोगे. अब देखो एस्केलमेन थीज दिया है और आगे ऑर्थ्रोपोडा दिया है, कॉर्डेटा दिया है, इकाइनोडर्मेटा दिया है, तो आपको समझ लेना है कि वो जनरल बातें कर रहा है. टीनोफुरा को अपने को डाल देना है ब्लाइंड साइड, तब अपना नॉलेज नहीं दे देना क्योंकि मार्क्स लेके आना ना, तो वहां पे नॉलेज नहीं देना, इसलिए हम बता दे रहे हैं कंडीशनल है. ओके अब यहाँ पे देखो जो इनका कॉम्ब ग्रोथ था वहां पे सिलिएटेड है, टेंटिकल्स दिख रहा है, पेयर ऑफ टेंटिकल दिख रहा है, ये पूरी इनकी कैविटी की बात हो रही है, और बाहर से कॉम्प्लेट है, सीलिया है, एंड उसमें दोनों लेयर के बीच में मेसेनकाइम प्रेजेंट हो गया. और टेंटिकल्स के ऊपर ये प्रेजेंट है आपकी लैसोसोम्स, ठीक है, जिसपे एडेशिव ग्रेन्यूल है. दिस इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैसोसेल. टेंटिकल्स पे स्टिंग करने के लिए कुछ नहीं है जो एंकरिंग करके डिस्चार्ज होके जाके पकड़ लेगा प्रे, यहां तक प्रे आएगा और ये जो इनका एडेसिव ग्रेन्यूल है वो प्रे को अटैच कर लेगा. और सेम वे में जैसे वहां बहुत सारे निमेटोब्लास्ट थे उसी तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लैसोसेल्स प्रेजेंट है, तो ये पूरा उसके अगर चारों तरफ राउंड राउंड ऐसे रैप कर गया प्रे के तो वो स्टिक कर लेगा इसको, एंड देन माउथ है, वेलकम है, ठीक है, पार्टी चलेगी फिर. ओके स्टेटोलिथ वाला पोर्शन याद रखना, दिस इज बेटा स्टेटोलिथ जो होता है वो एनस के पास होता है. ओके ये भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन, लिथ मतलब स्टोन लाइक स्ट्रक्चर. स्टेटोसिस एनस पोर के पास होता है, एनल पोर के पास होता है. लैसोसेल्स का ये एक लैसोसेल आपको दिख रहा है, कुछ ड्रॉ वगैरह नहीं करना है, जस्ट आपको समझना है हेड है और इसमें एडेसिव ग्रेन्यूल्स वहां पे रिलीज होते हैं और वही इनके लिए प्रिडेशन का काम करते चिपका लेंगे. तो स्टिकी एंड स्टिंगिंग ऐसे क्वेश्चन बन सकता है. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्मेफ्रोडाइट है. रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाय सेक्सुअल मीन, सारा फ्रेगमेंटेशन और बडिंग गायब. ओके तुम सोच के देखो उसमें बड जैसा स्ट्रक्चर भी नहीं दिख रहा, वो बॉल जैसा है पूरा, ठीक है, मूवेबल है. तो सिर्फ यहाँ पे क्या है, गैमेट का फॉर्मेशन, गैमेट का फ्यूजन. तो सेक्सुअल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली रिपोर्टेड, और ये एनसीईआरटी पे आ गए अपन वापस. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, गैमेट का फ्यूजन बॉडी के बाहर. अभी मैंने देखो इसके बॉडी के अंदर की कुछ कॉम्प्लेक्सिटी बताई नहीं. आप देखो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है वो ट्रांसपेरेंट है तो उसके बॉडी के अंदर क्या ही कॉम्प्लेक्सिटी होगी. एक ट्रांसपेरेंट फिश भी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाई हुई, उसमें पूरा आप देख सकते हो कैसे फूट जा रहा है, कैसे हो रहा है, यही स्टडी करने के लिए उसकी बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया. ओके वो डिफरेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे अभी हम बहुत लोअर उस पर बात कर रहे हैं. तो ट्रांसपेरेंट है तो इंटरनल बहुत सी चीजें वो कॉम्प्लेक्स है ही नहीं, आर पार दिख रहा है सर, ठीक है, इसलिए बहुत सी चीजें इंटरनल कैविटी वगैरह की अपन ने यहाँ कोई बात नहीं की है. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, इसको समझना है. यहाँ पे मेसेनकाइमा तक मेल गैमेट मूव होके नहीं आएगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जैसे ये दो टीनोफोरा हो गए, इनसे बाहर है, इनसे बाहर है और बाहर ही फ्यूज हुए, जाइगोट बना, जाइगोट से इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, लार्वा बना एंड लार्वा से एडल्ट बन गया. लार्वा का नाम नहीं दिया है, लिख लो सिडिपिड लार्वा होता है, लार्वा लार्वा से एडल्ट, ठीक है, सीडीपीडी या साइपिड होता है, दिखाया क्या मॉड्यूल में,
लार्वा का नाम है। हेलो सीडीपेड डबल पीआई सीडीपेड लार्वा ठीक है। और एग्जांपल आपको ध्यान रखो ये दो ही इंपॉर्टेंट है, प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। जो आपने सारी इमेजेस देखी जो आपके में इमेज है वो इसी की है, प्लूरोब्रैकिया ठीक है। एनसीईआरटी में भी जो इमेज दिया वो भी प्लूरोब्रैकिया का है, और जो आप स्टार्टिंग में मूवेबल सारी इमेज देख रहे थे वो भी प्लूरोब्रैकिया। बहुत सारे स्पीसीज हैं भी नहीं। क्लासिफिकेशन के लिए लिख लो बेसिस ऑफ टेंटिकल प्रेजेंट या अब्सेंट। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, टेंटिकल का होना या नहीं होना ओके है तो टेंटाकुलेटा, जो आपका एग्जांपल दिया जहां इमेज दिया है उसी के आगे लिख दो क्लास टेंटाकुलेटा, एंड नहीं है तो न्यूडा अब्सेंट ओके। तो दो क्लास के नाम याद रखो टेंटाकुलेटा एंड न्यूडा। यहां पे लिख लो आप प्लूरोब्रैकिया बिलोंग्स टू टेंटाकुलेटा, टेंटिकल्स दिख रहा है ना, तो एक हो गया टेंटाकुलेटा, एक क्लास यही मिल गया एग्जांपल जो आपके काम का है जो पूछे जाने के चांसेस है। दूसरी क्लास क्या है, न्यूडा टेंटिकल एब्सेंट ओके ठीक है। टिनोफोरा इंटू टू क्लासेस, दोज विद टेंटिकल टेंटाकुलेटा एंड दोज विदाउट टेंटिकल न्यूडा। बस यही भी करते हैं, सुबह भी यही एंड हो गया। कुछ पूछना है क्या हुआ, कुछ छोटा तो पूछो। अभी हो गया ये कंप्लीट ठीक है, तुम लोग का हो गया सब मार्किंग वगैरह कंप्लीट।